नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड सॉन्ग्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप लोग मतलब उसको यूज़ करके जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं वीडियो में, कॉपीराइट ना आए, कोई ऐसा तरीका है या नहीं, तो उसके बारे में आज जो है पूरी की पूरी बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा तरीका कोई है, कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं वो बॉलीवुड सॉन्ग्स यूज़ करते हैं, उनको कॉपीराइट आता है कि नहीं आता, आप लोग कैसे सॉन्ग्स को यूज़ करें बॉलीवुड सॉन्ग्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वीडियोस होती हैं उन सॉन्ग्स के बिना उसको देखने मज़ा ही नहीं आता, तो वहाँ पर हमें उसको यूज़ करना पड़ जाता है। तो आज की वीडियो है पूरी की पूरी सी बेस्ड है, तो आप लोग देख रहे हैं मैं इनकेशव फिल्म्स, मैं यहाँ पर बनाता हूँ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ प्यारा से कमेंट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स की। अब देखिए बॉलीवुड सॉन्ग्स क्या है, जैसे जब भी कोई क्रिएटर्स को यूज़ करता है अपनी वीडियो में तो आपने देखा होगा कि मतलब सीधा कॉपीराइट क्लेम आता है। और वो होता कैसे है, देखिए जब भी कोई बॉलीवुड का सॉन्ग यूज़ कर रहा है तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, टी सीरीज हो गई, वीनस हो गया, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जब भी ये अपना वीडियो अपलोड करवाते हैं सॉन्ग का तो ये एक यूट्यूब पर एक क्लेम आईडी लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग वो सॉन्ग को यूज़ करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो फटाफट खुद ही सर्च कर लेगा, चेकिंग करेगा और ऑटोमेटिक जो है आपको क्लेम दे देगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बंदा जो है वो सर्च करेगा फिर ढूंढेगा कि आपने वो सॉन्ग यूज़ किया है कि नहीं, क्योंकि इनका सॉन्ग जो है मतलब पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो कितना वो क्लेम मारते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या देखा होगा आपने, जब भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस समय क्या होता है फटाफट आपकी वीडियो पे क्लेम हो जाता है। क्लेम होने से क्या होता है कि जो आपके उस वीडियो का रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपको शेयर करना पड़ेगा उस वाले क्रिएटर के साथ, यानी कि बड़े चैनल के साथ, ये दिक्कत हो जाती है। और बाकी आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। अब बात करते हैं बड़े चैनल के बारे में, जैसे कि अमित बड़ाना हो गए, रियल हिट हो गया, ये सब चैनल हैं, तो वो लोग कैसे यूज़ करते हैं इन सॉन्ग्स को। तो देखिए आपने देखा होगा उनकी कुछ वीडियोज़ होती हैं वहाँ पर वो लोग इन सॉन्ग्स को यूज़ करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स को, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कॉपीराइट उनको भी आता है, ऐसा नहीं कि कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट उनको भी आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो होते हैं काफ़ी अच्छे। अब इसे मान लीजिए वीडियो का जो मतलब रेवेन्यू है वो होगा करीब 5 लाख और जिनका स्पॉन्सर है करीब है 20 लाख का, तो सोचते हैं कि अगर मैं 5 लाख के वजह से जो वीडियो का जो मतलब वीडियो इतनी अच्छी बनने वाली है वो अच्छी नहीं बन पाई, तो अच्छा है 5 लाख रुपए दे दो कॉपीराइट को और आराम से जो 15 लाख या 20 लाख रुपए बन रहे हैं स्पॉन्सर से वो ले लो। तो बड़े यूट्यूबर जो है वो ऐसा करते हैं, और साथ साथ जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी मतलब बातचीत भी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो वो बात करके भी इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन छोटे यूट्यूबर्स या जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं वो इतना नहीं कर सकते, अगर आप लोगों ने जो सॉन्ग ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लेम आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब कि लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे यूज़ कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि ये हमने लिखा है कि इतना फेयर यूज़ पॉलिसी में यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्लेम आएगा नहीं आएगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए एक होता है क्रिएटिव कॉमन में अगर आप सॉन्ग को यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिएटिव कॉमन में क्या होगा कि बहुत सारे जैसे कोई वीडियो टी सीरीज़ की उसका वीडियो किसी ने अपलोड कर दिया और उसको डाल दिया क्रिएटिव कॉमन में, फिर आपने उस वीडियो को यूज़ कर लिया, उस केस में क्या होगा सीधा आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा टी सीरीज़ से, बिकॉज आपने किया तो उसका ही सॉन्ग यूज़ हुआ है, तो कोई भी श्योरिटी नहीं है इस केस में भी आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि बहुत लोग सोचते हैं कि 30 सेकंड अगर गाने को यूज़ करेंगे या 10 सेकंड यूज़ करेंगे या 5 सेकंड यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अब देखिए अगर आप लोग गाने को आधा सेकंड या 1 सेकंड यूज़ करते हैं ना तब भी आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मतलब कि मैं अगर 3 सेकंड यूज़ करूँगा ऐसे यूज़ करूँगा तो उससे नहीं आएगा। बट ये हो सकता है कभी कॉपीराइट आपने सॉन्ग यूज़ कर लिया फिर नहीं आया, बट काफ़ी देर के बाद कॉपीराइट आ जाता है, ऐसा भी होता है। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको चाहते हैं कि बचना कि कॉपीराइट ना आए, तो देखिए जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं उसको पहली बात अनलिस्टेड कर दीजिए पहली बात तो, और थोड़ा मतलब वेट कीजिए करीबन आधा एक घंटे का, और देखिए कि उस समय कॉपीराइट क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं उन लोगों ने जो आईडी ले रखी है कॉपीराइट की तो उनका जो क्लेम होगा वो फटाफट आ जाएगा, तो आपको मतलब पता रहेगा कि ये क्लेम आ रहा है इस वीडियो पे, तो उससे आपकी कमाई नहीं होने वाली है, तो ये आपके ऊपर रहेगा कि यहाँ पर जो है वीडियो यूज़ करें या फिर इसे कट करके दूसरा सॉन्ग हम चेंज कर दें, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आपने वीडियो को रिलीज़ कर दिया फिर जो उसका रेवेन्यू है वो तो जाएगा ही जाएगा, व्यूज़ आएंगे उस वीडियो पे, तो उसका जो मतलब रेवेन्यू है वो जाएगा किसके पास, जो उस म्यूज़िक का या फिर उस वीडियो का मतलब जिन्होंने उस फिल्म को बनाया होगा। तो ये एक तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, ठीक है। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था कि मतलब क्या तरीका होता है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स को आप यूज़ करें बट फिर भी कॉपीराइट क्लेम ना आए, या कैसे यूज़ करने पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो कॉपीराइट क्लेम आता है चाहे आप कितने बड़े चैनल भी हों, लेकिन आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज़ करेंगे तो। हाँ, अब यूट्यूब का एक अपडेट आया था कि जैसे आप कोई व्लॉगर हैं और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ इस समय और अभी क्या मेरे पीछे कोई गाना बजना स्टार्ट हो गया, तो वो गाना जो है अगर मेरे बोलने के बीच में आ रहा है तो अगर तब मुझे कॉपीराइट क्लेम वैसे नहीं आएगा क्योंकि वो फेयर यूज़ पॉलिसी में आ गया, लेकिन फिर भी मान लीजिए मुझे अगर कॉपीराइट आता है
तो मैं वहाँ पर डिस्प्यूट कर सकता हूँ कि वो मतलब मैं बोल रहा हूँ बट पीछे से गाना बज रहा है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट करने से वो जो कॉपीराइट का क्लेम है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में जो है आप इस तरह के सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नॉलेज मिली होगी कि कैसे हम बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज़ करें या कैसे ना करें। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप लोग कैसे जो है कौन से सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हैं कि आपके वीडियो पर मतलब अच्छे व्यूज़ भी आएंगे और आपको कॉपीराइट भी नहीं आएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं वो वाली। तो अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ को लाइक करना, प्यार से कमेंट कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ यूट्यूब सेंट्रिक्स की वीडियोज़। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।